व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। और आज इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, इस वीडियो में मैं बैक हूँ अपने सैमसंग गैलेक्सी F62 के साथ। और गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F62 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, कि ये फ़ोन क्या लेना सही है 2021 के जुलाई में, और क्या ये फ़ोन अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, और क्या हम सैमसंग पे एक ट्रस्ट दोबारा से जीत वाला ले सक भरोसा करके ले सकते हैं, और क्या ये फ़ोन एक्चुअल में फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस हमें देख पा रहा है या नहीं। तो गाइस, बात करेंगे सबसे पहली चीज़ की, जो कि है परफॉर्मेंस की। तो गाइस, परफॉर्मेंस हमें इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन के लेवल की तो नहीं मिलती, लेकिन एक्सिनोस में 9825 प्रोसेसर जो है वो आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है। और ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस में भी यूज़ किया गया था, जो कि इस फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा प्राइजियर एक्सपेंसिव था। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपको डे टू डे लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और गेमिंग में भी आप काफ़ी तगड़ी गेमिंग इंजॉय करने वाले हैं। मैंने इसमें बेसिक VGMI खेल रखी है, तो बहुत अच्छा सेटिंग्स पे तो नहीं चल रही थी, लेकिन हाँ, आपको ये स्मूथ पे अल्ट्रा तक आपको अच्छे स्पीड दे देगी, मतलब कि आपके फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होंगे, इतनी आप गेमिंग अच्छे से कर पाएंगे। बेसिक गेमिंग्स तो इसमें आराम से चलने वाली हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ़ोन की एक चीज़ की, तो परफॉर्मेंस के साथ साथ ये थोड़ा सा हीट जरूर कर जाता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग को सॉल्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस फ़ोन में हमें प्रोसेसर इतना अच्छा मिलता है, लेकिन वो अगर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज और हो जाए तो हमें बहुत नेक्स्ट लेवल तक की परफॉर्मेंस मिल सकती है इस फ़ोन के साथ। बात करें सेकंड चीज़ की गाइस, हमें इसमें डिस्प्ले गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को हमें मिल जाती है। अगर मैं यहाँ से सेटिंग्स में चलूँ तो आपको डिस्प्ले कस्टमाइज़ करने के बहुत तगड़े ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्क्रीन मोड में जाके विविड और नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। मैं हमेशा विविड सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे विविड कलर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हमें मेरे को देखने को मिलते हैं। और मैं इसमें एडवांस सेटिंग्स में जाके और कलर्स को एडजस्ट कर सकता हूँ, तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं। बट डिस्प्ले इसके अंदर सुपर एमोलेड प्लस वाली मिल जाती है, जो कि फ्लैगशिप डिवाइसेस में भी मिलती है, तो मुझे वो चीज़ बढ़िया लगी। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में गाइस, बैटरी लाइफ। मुझे बैटरी लाइफ इस फ़ोन की सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी अभी तक जितने भी फ़ोन मैं यूज़ करें उनमें। मैं इस फ़ोन को ऑलमोस्ट 2 डेज से यूज़ कर रहा हूँ गाइस, और अभी भी आप देख सकते हो कि 27% बैटरी, और मैंने काफ़ी हैवी यूजेज इस फ़ोन को दी थी, और ये काफ़ी बढ़िया मेरे को देखने को मिला। चौथी चीज़ बात करें हम चार्जिंग की, ऑल दो इसके अंदर 2 25 वॉट्स का चार्जर मिल जाता है, जो कि कुछ ऐसा देखने को आपको मिलता है, और बट ये फ़ोन को थोड़ा सा धीरे ज़रूर चार्ज करता है, मतलब कि ऑब्वियसली फ़ोन की बैटरी इतनी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल फ़ोन 2 घंटे में चार्ज हो जाता है। तो इट्स इम्प्रेसिव फॉर मी, बिकॉज आपको अगर 7000 mAh की बैटरी में इतना चार्ज करने को मिल रहा है तो इट्स बेस्ट, यू नो। अगली चीज़ की बात करें तो कैमरास गाइस, मुझे इसमें थोड़े से एवरेज ही देखने को मिले। कैमरास इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं देखने को मिलते, बट हाँ, आप आराम से बढ़िया फ़ोटोज़ निकाल सकते हो अगर आपको क्लिक करने का तरीका पता है तो। बाकी आपको कैमरा के अंदर कमी कुछ नहीं मिलती, आपको सारी चीज़ें टिक मार्क देखने को मिलती हैं, भले ही वो आपका वाइड एंगल कैमरा हो, डिटेलिंग आपको पूरी देखने को मिलेगी। साथ में आपका मेन कैमरा हो, वो भी आपको पूरी डिटेलिंग देखने को मिलेगी। सेल्फी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, 32 मेगापिक्सल की डिटेल्स, आपको डिटेल्स में आपको कोई कमी नहीं मिलती। कैमरा UI भी काफ़ी अच्छी देखने को हमें मिलती है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें और भी क्या चीज़ें बढ़िया देखने को मिलती है, कि हम इसमें काफ़ी कस्टमाइज कर सकते हैं मोड्स को, जो कि एक बढ़िया बात है। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ गाइस मैं, इसके अंदर मुझे जो बढ़िया देखने को मिलती है, इसके अंदर जो नेटवर्क रिसेप्शन क्वालिटी है गाइस, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। कॉल पे क्लियर वॉइस सुनने को मिलती है, हम आराम से सामने वाले बंदे से बात कर सकते हैं, और उसे भी हमारी आवाज़ सुनने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो गाइस, वो है स्पीकर्स। तो गाइस, स्पीकर्स मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बुरे हैं, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है, जिस हिसाब से प्राइस में आज के टाइम में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। डॉल्बी एटमॉस से मेरा ये लेन मैन कहने का मतलब है कि डॉल्बी एटमॉस आपको इसमें मेन स्पीकर्स में नहीं देखने को मिलता, आपको नॉर्मल से इक्वलाइजर मिलता है। अगर आप यहाँ पे चले साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में, सिस्टम साउंड वाइब्रेशन, अगर आप यहाँ पे चले साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में, तो यहाँ पे आप डॉल्बी एटमॉस ऑन ही नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि काफ़ी बेकार बात है। आप नॉर्मल स्पीकर में आपको सिर्फ इक्वलाइजर सेट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ मेरे को बेकार लगती है गाइस। सो दैट्स व्हाई मैं चाहता था कि इसमें डॉल्बी एटमॉस तो एटलीस्ट सॉफ्टवेयर थ्रू मिल ही जाता, क्योंकि ये सपोर्ट करता है, बट पता नहीं क्यों सैमसंग ने वो चीज़ डिसेबल करके दिया। लास्ट चीज़ मुझे बेकार लगी कि इसकी UI के अंदर थोड़ी बहुत एड्स देखने को मिलती हैं, पता नहीं सैमसंग अपनी एप्स में एड्स कब से देने लग गया,
मैंने बहुत टाइम बाद गाइस सैमसंग के फ़ोन पे स्विच किया है, तो मुझे अभी ये चीज़ पता लगी थी। तो मैं ये कहूँगा कि सैमसंग इतने ऑलरेडी प्रीमियम चार्ज करता है अपने फ़ोन के, माना इतना अच्छा फीचर तो इस फ़ोन में दे रहे हो, लेकिन एटलीस्ट अगर आप एड्स ना दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नहीं तो आप में और रियलमी और शाओमी जैसी कंपनी में डिफरेंस क्या रह जाएगा। गाइस लास्ट चीज़ जो मुझे इस फ़ोन की नॉर्मल सी लगी, मतलब कि एवरेज लगी, वो ये है कि फ़ोन के अंदर आपको थोड़ा सा जिटरी लैग देखने को मिल सकता है, मतलब कि आपको एनिमेशन काफ़ी स्लो देखने को मिलेंगी, तो आपको इसको डेवलपर ऑप्शन में जाके एनिमेशन स्केल को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी ये फ़ोन आपका बढ़िया चलेगा। रैम मैनेजमेंट भी इसमें आपको नॉर्मल बढ़िया एकदम देखने को मिल जाती है। तो यही था गाइस मेरा ओवरव्यू इस फ़ोन को लेके। मुझे ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा, और जिस प्राइस में मैंने 18,000 में इसको लिया है, अगर आपको ये अभी भी मिलता है तो 90,000 में भी मिलता है, तो आप आराम से इसको खरीद सकते हैं बेफिक्र होके, और आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे, और आप आराम से अपने इस फ़ोन को 2 साल चला सकते हैं, क्योंकि सैमसंग इसमें 3 साल की अपडेट देने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई, उस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं मिलता हूँ गाइस ऐसे किसी न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट गाइस।